आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर थाना में आज एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। यहां डीसी हेडक्वार्टर अरविंद आनंद ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस मौके पर आसनसोल साइबर थाना प्रभारी विश्वजीत मुखर्जी, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी विश्वजीत नस्कर तथा अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर अरविंद आनंद ने बताया कि कल हीरापुर थाना अंतर्गत रहमतनगर इलाके से किराए के मकान से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके नाम है अलीम अंसारी, अब हसन और अरशद अंसारी। इनमें से 2 जामतड़ा के और तीसरा धनबाद का रहने वाला है। ये रहमतनगर में एक किराए के मकान में रहते थे। अरविंद आनंद ने बताया कि ये तीरों के जरिए लोगों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का झांसा दिया करते थे। उसके बाद विभिन्न ऐप के माध्यम से क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर लिया करते थे और इस तरह से उन लोगों से ठगी करते थे। समस्त क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन एवं OTP कस्टमर थे के विक्टिम थे के लिए नहीं तो एवं जेटा टका आछे एई क्रेडिट कार्ड थे के जेटा टका बेआईनी भावे डिडक्शन करे अमेजन पे वॉलेट ते नहीं तो तारपरे एई अमेजन पे वॉलेट थे के एक्यूज्ड शॉपिंग एवं रिचार्ज एई भावे यूज करे एई टका के खर्चा करे दे एई भावे एई 3 जन एक्यूज अनेक जन के चीट करे छे। आज के हमरा एई 3 जन के लर्नेड कोर्टते पुलिस कस्टडी नेवार जन्य फरवर्ड करछी। आमरा 6-6 मोबाइल जेटा एक क्राइम ते यूज होय छिलो सेटा आमरा साइबर फॉरेंसिक लैब ते डाटा रिट्रीवल करार जन्य पठाच्छी। एखनी आमादेर इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेज ते आछे, आमरा आज के पुलिस कस्टडी निच्छी। तारपरे जखन आमादेर साइबर फॉरेंसिक टीम थेके आमरा डाटा रिट्रीव करे नेब। আমাদের এখানে অবজেক্টিভ আছে কি এখানে আমরা ইনভেস্টিগেশনতে দেখব কি ওর এখানে কত জনকে এরা চিট করেছে, আমরা ভিকটিমসকে আইডেন্টিফাই করব, কত চিটিং অ্যামাউন্ট এখানে ইনভলভ আছে, আর এদের সঙ্গে অ্যাকিউজ সঙ্গে আর কত লোক অ্যাসোসিয়েট আছে, আর কোনো বড় মাথা এখানে ইনভলভ আছে কি নেই। এটা আমাদের সাইবার থানা ADPC জন্য একটা বড় সাকসেস আছে। আমাদের সমস্ত সাইবার থানা টিম এবং অফিসার স্পেশালি ADCP DD বীর শাহিদুল আলী, ACP সাইবার বিশ্বজিৎ নস্কর এবং IC সাইবার বিশ্বজিৎ, এখানে এই পুরো ডিটেকশনতে সাইবার ফ্রড ডিটেকশনতে খুব ভালো কাজ করেছেন এবং আমাদের যে সাইবার থানা আমাদের টিম আছে এখানে খুব প্রফেশনালিভাবে এই কেসকে ডিটেকশন করেছে। এটা আমাদের ADPC জন্য একটা বড় সাকসেস। আমি আশা করছি কি এই রকম আমাদের যে ADPC তে সাইবার থানা কাজ আছে, এটা যে ভালো কাজ চলছে, ভালো ডিটেকশন চলছে, এটা কন্টিনিউ থাকবে। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এখানে এদের অ্যাকিউজ না 3 জন অ্যাকিউজ আছে। এদের নাম আছে আলেম আনসারি, আবুল হাসান এবং আরশদ আনসারি। এই 2 জন জামতারা ডিস্ট্রিক্ট ঝাড়খণ্ড বাসিন্দা আছে এবং 1 অ্যাকিউজ ধনবাদ ডিস্ট্রিক্ট ঝাড়খণ্ড বাসিন্দা। একটা আমাদের একটা টেকনিক্যাল টুল আছে, টেকনিক্যাল টুল থেকে আমরা এটা একটা ইনফরমেশন পেলাম। কতদিন ধরে চলছে? এটা 3 মাস থেকে এরা বলছে, এটা জিজ্ঞাসাবাদে বলেছে কি এরা 3 মাস থেকে এখানে এইসব কাজ তিন বলছে। হীরাপুর থানা হ্যাঁ বলো, আমরা ভেরিফাই কর রে হ্যাঁ কি ডকুমেন্টস বগেরা ইনোনে থানে মে জো অনার থা প্রোভাইড কিয়ে কি নেই কিয়া ও আমরা ভেরিফাই কর কে লোক ঘর লেকার কে রহ রহে থে রেন্ট। আসানসোল সে বিজু মন্ডল কে রিপোর্ট, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताजा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত AC রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গল এন্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন। মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে
7872933666 9434133666। काली पूजा उद्घाटन पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बिंदु अधिकारी के बयान के बाद राजनीतिक गहमागहमी शुरू हो गई है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नेता के थाना में मनाए गए जन्मदिन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मंगलवार बाराबंकी प्रखंड के नूनी मोड़ के काली पूजा मंडप उद्घाटन में राज्य के नेता प्रतिपक्ष बिंदु अधिकारी ने जमकर तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला है। नूनी मोड़ स्थित काली पूजा मंडप का उद्घाटन प्रतिपक्ष नेता ने दीप प्रज्वलित कर एवं मां काली को धूप दिखाकर किया। मंच से नेता प्रतिपक्ष बिंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में आज बांटने की राजनीति चल रही है। राज्य में दुर्गा पूजा में बड़े दुर्गा प्रतिमा को नहीं दी गई अनुमति, आखिर क्यों? उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि बाराबंकी प्रखंड में कई छोटे मंत्री हैं जो सिंडिकेट और कोयला का अवैध व्यापार चला रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष का जन्मदिन थाना में मनाया जा रहा है और थाना प्रभारी तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष को मिठाई खिला रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। नेता तो सिर्फ मानिक उपाध्याय थे, ये लोग सिर्फ तोलाबाज है। राज्य में हिंदुओं को हिंदू और बंगाल भाषी के रूप में बटा जा रहा है। हम लोगों को एक होना होगा, हम लोग सब एक है। 30% लोगों के लिए 70% लोगों की अवहेलना आखिर क्यों? जानकारी के अनुसार बीते 24 अक्टूबर को बाराबंकी प्रखंड पंचायत समिति के अध्यक्ष सह तृणमूल कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष असित सिंह का जन्मदिन बाराबंकी थाना में मनाया गया था, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसको लेकर तृणमूल नेता प्रशासन को लेकर प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सवाल खड़ा किए हैं। वही सभी आरोप को नकारते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष असित सिंह ने कहा कि मेरा जन्मदिन थाना में नहीं मनाया गया है। बाराबंकी में भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है और कुछ लोगों की बातों को सुनकर वे सब झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने हमारे स्वर्गीय नेता मानिक उपाध्याय के बारे में अच्छा ही बोला और उनके आदर्शों पर ही चल रहे हम लोग। सही सरकार तुष्टिकरण बा तोषणेर नामे हिंदू अनुष्ठाने बाधा दान करे। सम्प्रति दुर्गा पूजा तार अभिज्ञता भयावह हुए छे बांग्लाते। एकोन बांग्ला 112 फुट उचु दुर्गा प्रतिमा तैरी करे छिलो बोले राना घाटे दुर्भाग्यजनक राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताजा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज के 91 नंबर वार्ड पार्षद राजू सिंह और रानीगंज बोरोदो के चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा के बीच चल रहे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसमें रानीगंज टीएमसी अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष नियाज अहमद ने भी अपनी राय जाहिर करते हुए एक प्रेस मीट की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 91 नंबर वार्ड पार्षद राजू सिंह ने मुजम्मिल शहजादा पर जो इल्जाम लगाए हैं वह पूरी तरह से गलत है। नियाज अहमद ने राजू सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो है तो टीएमसी के पार्षद, लेकिन वो अंदर ही अंदर भाजपा के साथ मिले हुए हैं और भाजपा के साथ उनका रिश्ता बन गया है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में भाजपा को मजबूती प्रदान करने के लिए राजू सिंह इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। तो वो वाला जो राजू सिंह काम किया है, काम कर ही रहा, उन लोग का वार्ड में क्या काम हो रहा है, हम तो बताए मेरा काउंसिल पहले कितना काम था, बंद कंपनी का क्वार्टर का जितना चंदा, जितना आपका भाड़ा सब कलेक्शन वही लोग करता था। आज सब बंद है, उन लोगों को झाल लग रहा, वो लोग आज हम चेयरमैन का खिलाफ, मतलब सिर्फ जमीन का लेके नहीं बोल रहे, हम चेयरमैन वो बनने से पहले भी हम इसलिए उनका खिलाफ किए कि वो एक क्या बताएं हम उनका कि इस विषय में उनका नॉलेज नहीं कि हम जिस वार्ड में जाएंगे उस वार्ड का जो एक्टिव है, जो दिल से टीएमसी करता है उसको हमको लेके चलना है, या हमको दिखावा वाला जो लूट पुट करता है उसको। वो लोग जब उनसे कांटेक्ट में शुरू से ही था और वो लोग जब उसको ऊपर का नेतृत्व भी लोगों को बैठा दिया था, आज उसको वापस उठा के ला के उसको फिर वही काम में लिप्त किया है। वो लोग जब इस तरह का काम कर रहा बाधा हो रहा तो उसको उन लोगों को जलन हो रहा है। कारण एक ही है, देखिए कैरेक्टर तो बोलता ही, हम तो शुरू से बोलते कैरेक्टर। देखिए आदमी को जब एक समय लिया जाता है या घर का कोई भी लड़का को लिया जाता है कि अगर समय दिया जाए वो सुधर जाए तो ठीक है, अगर नहीं सुधरा मौका दिया गया कि अगर सुधर गया तो ठीक है, अगर नहीं सुधरा तो फिर आप उसको क्या उसको रास्ता में जब नहीं ला सकेंगे तो आप उसको हाल में छोड़ देंगे। तो इन लोग का क्या है कि इन लोग का हमारा भी पास बहुत सा प्रूफ है कि जहां पर मेरा नाम से भी लोग पैसा खा लिया है,
उसका बाद ये लोग का दिन भर का क्या काम धंधा है ना, रानी हमारे वार्ड में ही एम सीपीएम का घर में जो जुआ खिलाता है 12 महीना, उसके लिए हम लोग भी कंप्लेन किए थाना में। जब खिलाता वहां बैठ के सारा दिन पार करना है, आज भी बहुत सारे इलीगल काम में लिप्त है। और मानोस का जो अगर वो मेरा पर इल्जाम लग रहा है तो उसका भी कैरेक्टर देखिए, उसका भी पुलिस रिकॉर्ड देखिए कि वो भी 2-3 साल जेल खटा है तेल चोरी में। तो इस सब लेकर हम किसी को व्यक्तिगत आक्रमण नहीं करना चाहते। जब अगर हमको मेरा फैमिली और हम मेरा साथ कोई अगर ये करेगा जाती है, अगर व्यक्तिगत कुछ ये करेगा तो हम भी छोड़ने वाला नहीं है। क्या यहाँ व्यक्तिगत बात नहीं, एक जमीन का लेके इलीगल काम का मुद्दा से यहाँ ये प्रश्न उठा है, उस मुद्दा को लेके हम इस समस्या को सोल्व करने का चेष्टा कर रहे हैं। इसको हम बोर्डों का कान में इसलिए उठाएं कि ये अगर वो उनको अगर इसको बुरा लगे तो उसको छानबीन करे और उनका सही ईमानदारी से जांच करे कि इसमें कौन कौन है। आप नहीं है तो बहुत अच्छा बात है कि आप नहीं है, लेकिन इसको जांच करना बहुत जरूरी है और इसमें जो है उसको आप कड़ा एक्शन लीजिए। उन लोगों का कहना है कि 2.5 साल तो उन लोग का जो काम था वो लोग चेष्टा किया अपना हिसाब से, वो लोग बहुत कुछ चेष्टा किया हमको बदनाम करने का, बहुत कुछ मतलब अपना स्तर से वो लोग जो चाह रहा था कि राजू सिंह को कहीं बदनाम किया जाए, बहुत कुछ हुआ मेरा बारे में, बहुत वो लोग मतलब हमको आरोप का घेरा में लेने खोजा। क्या वजह से अगर टीएमसी है आप लोग बोल रहे तो टीएमसी कौन टीएमसी का सपोर्ट में वोट कराता है, कौन टीएमसी अगेंस्ट में कराता है उसको आपका सामने तो हम प्रूफ का साथ ही रख रहे हैं। आज वो लोग का ज्यादा दर्द हुआ है, बोलता कि दीवाल लिखने में भी वो बाधा दे रहा है। 2021 में देख लीजिए वो लोग कहाँ दीवाल लिखा है, उसका 2022 में खुला वो लोग विरोध किया मेरा, मतलब काउंसिल इलेक्शन में पूरा उसका मेरे पास पूरा प्रूफ है, आम पब्लिक भी आपको सर्वे में आपको मिल जाएगा। वो लोग बीजेपी सीपीएम को वोट देने बोल रहा है, 2022 का एमपी वोट में भी वो लोग सीपीएम को वोट देने बोला है, 2024 का वोट का भी प्रूफ है। तो यहाँ वो जो वोट सीपीएम को देने बोलेगा तो कौन किसका सपोर्टर है, ये तो आपको हम प्रमाण दे रहे हैं, हमको स्क्रीनशॉट भी है। जहां नारा का वोट में वो लाइक कर रहा है, उसको कमेंट कर रहा है कि आप सीपीएम को सपोर्ट करिए, क्या वो स्क्रीनशॉट ऑफ मीडिया के सामने? एकदम एकदम मेरे पास है, हम अभी दिखा रहे हैं। उन लोगों का आरोप भी है क्या काम है नहीं काम है इसके, एकदम 100% हम तो सीएम को तो पहले मतलब इसका बात करके कॉपी करके ईमेल करें। आरोप लगाया देखिए हमको बचने और करने के लिए नहीं, हमको जो मेरा वार्ड में जितना दिन हम काउंसलर रहेंगे काउंसलर मेरा जो फर्ज है हम उसको निभाएंगे। आज मीडिया को हम बाइट देने का मेरा एक ही मकसद है, हम तो मीडिया से पड़े हो सकते थे लेकिन हम मीडिया का सामना इसलिए कर रहे कि मेरा साथ ऐसा घटना एक दिन का नहीं है, इलीगल सिर्फ काम का नहीं है। इलीगल का मतलब जो बड़ा बड़ा डायलॉग मारता है कि वो फंड काम लेकर आया, तो आर भी वार्ड में डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है फंड का वजह से, तो वहां पर तुम और भी काउंसलर आप क्यों नहीं वहां पर अभी तक रास्ता घाट बहुत सा वार्ड नाम नहीं बता रहे, बहुत सा वार्ड में आप देख रहे रास्ता का अवस्था, पर रानीगंज का रास्ता आप देखिए क्या अवस्था है। आप मेरा वार्ड में आके सिर्फ जो लोग आपको यहाँ बरसात आया प्लास्टिक देने का मामला हो, रोड जाम होता है, पब्लिक जो है रोड जाम करता है अपना डिमांड के लिए, काउंसलर साहब वहां पर भी दिखाई नहीं देते, वहां पर भी एकमात्र फेस जो है हमारे चेयरमैन साहब ही करते हैं। आप लोग खुद जानते हैं, आप लोग खुद मीडिया में चला चुके हैं इस न्यूज को, जब भी रोड का घेराव हुआ है, जब भी कोई मतलब वायलेशन हुआ है तो एकमात्र फेस सिर्फ चेयरमैन का होता है। काउंसलर साहब को फोन लगाया भी जाता है अगर है तो काउंसलर साहब का फोन या तो बंद होता है या बोलते हैं कि हम रानीगंज से बाहर है। पहली बात है कि वो काउंसलर है, कॉर्पोरेशन के मेंबर वो है, उनको अगर खबर नहीं मिलता है तो ताज्जुब और चर्च का बात है कि फिर काउंसलर क्या कर रहे हैं, क्या शो करके हैं वो। देखिए वो तो प्रशासनिक मामला है, वो कॉर्पोरेशन का मामला है, हम लोग जो अपने वार्ड में जो देख रहे हैं हम उस विषय पर बात कर रहे हैं। क्या देखे, वार्ड में क्या देखे? वार्ड में तो देख रहे हैं कि जहां से हम लोग का जो आज हम लोग का 3-4 जो माइनोरिटी बूथ है यहां से हमेशा तृणमूल को जबरदस्त लीड मिलता है, उसके बावजूद भी यहां स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम है, यहां पर हाइड्रेंट का जो प्रॉब्लम है, नाली का प्रॉब्लम है, रोड रास्ता घाट का प्रॉब्लम है, या किसी भी छोटा छोटा बड़ा बड़ा जो भी मसला आता है उस मसला में हम अपने काउंसलर को कभी गिरजापाड़ा का आवाम नहीं देखता, इस 4 बूथ का आवाम तो देखता ही नहीं। देखिए आवाज हम लोग आवाज उठाए ऐसा नहीं, आवाज उठाए हम लोग आज से नहीं उठा रहे हैं, बहुत दिन से उठा रहे हैं, कुछ पार्टी का अंदरूनी मामला है
जिसको हम लोग ओपन करना नहीं चाहते हैं। क्या लगता है उनका कंट्रोल बनने के बाद में वार्ड में कोई नहीं होगा? वो तो आप लोग के सामने ही जाएगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताजा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज के स्कूल पाड़ा में बिजली के तार पे एक सांप को चलते देख कर रानीगंज के लोगों ने भीड़ जमा कर इस नजारे को देख रहे थे। आपने देखा होगा कि एक बहुत पुराने फिल्म जिसका नाम था जाने दुश्मन, उस फिल्म में ये नजारा देखा गया जो कि नागिन थी वह बिजली के तार पर किस तरह चल रही थी। बस कुछ वही नजारा रानीगंज में भी देखने को मिला। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताजा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज शहरी NSBDOT अवस्थित सुसज्जित एवं मनोरम परिवेशे अतिथिदेर परिषेबार जन्य तैरी अतिथि इन होटेल एंड रेस्टोरेंट। होटेल अतिथि इन परिषेबाय थाकछे अत्याधुनिक सुविधाजुक्त एसी रूम। अतिथि इने पकेट फ्रेंडलिते आपनि पाबेन सिंगल एंड डबल बेडरूम। फेस्टिवल सीजने थाकछे स्पेशल डिस्काउंट, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা NSB রোড রানীগঞ্জ, মথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। माँ के श्राद्ध कर्म में सरकारी तिरपल वाला पंडाल कोई और नहीं बल्कि दुर्गापुर नगर निगम के बोरो कार्यालय नंबर 4 के कर्मचारी शुभ दत्ता के माँ के श्राद्ध कर्म में विश्व बंगला लोगो वाला सरकारी पंडाल बनवा कर विवाद में फंस गए हैं। कुछ दिन पहले राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित दुर्गापुर नगर निगम के बोरो ऑफिस नंबर 4 के कर्मचारी शुभ दत्ता की माँ की मृत्यु हो गई थी। ये कर्मचारी श्राद्ध समारोह पर विश्व बंगला लोगों के साथ एक सरकारी तख्ता लगाकर विवाद में फंस गया था। ये सरकारी कर्मचारी अब दुर्गापुर के सिटी सेंटर में ये काम करके काफी मुसीबत में फंस गया है। आपको ये आधिकारिक त्रिपल कहां से मिला? दुर्गापुर 4 नंबर बोरो कार्यालय कर्मी शुभ दत्ता जवाब देते देते लगभग भाग खड़े हुए और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए डेकोरेटर को दोषी ठहराया और दुर्गापुर नगर निगम के इस कर्मचारी की शिकायत सुनने के बाद डेकोरेटर कर्मी ने स्पष्ट किया कि ये सरकारी त्रिपल हाउस के मालिक के है, अर्थात शुभ बाबू ने दिया है। जिस अधिकारी ट्राइफोल्ड को असहाय लोगों तक पहुंचाना था वह ट्राइफोल्ड श्राद्ध पंडाल के काम में इस्तेमाल किया गया था। ये बंगाल में भी ऐसा हो रहा है, ये बेहद अनुचित कृत्य की जांच की जाएगी। दुर्गापुर नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के उपाध्यक्ष अमिताभ बनर्जी ने कहा कि दुर्गापुर नगर निगम के आयुक्त ने भी जाँच का आश्वासन दिया। तृणमूल नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि पार्टी इस अन्याय की जांच चाहेगी, कि प्रशासन इसकी जांच करेगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, लेकिन ये कहता है कि क्या श्राद्ध समारोह में आधिकारिक पंडाल का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही भाजपा और जिला कांग्रेस नेतृत्व में राशन भ्रष्टाचार से लेकर आवास भ्रष्टाचार तक के मामले के शासक के खिलाफ सुर बुलंद कर दिया है। अब तृणमूल सरकार संकट में है। सरकारी चोरी का आरोप पहले से ही शासक पर लगा था, विपक्ष का आरोप भी है। दुर्गापुर की इस घटना पर अब मुहर लग गई है। अब देखने वाली बात यह है कि जाँच कोई खेल नहीं है, ये तो जाँच की तरह जाँच है। সরকারি বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সেই লোকটিকে দেওয়া হয় যাদের প্রয়োজন,
তো সুতরাং কোথাও কিভাবে কি হয়েছে না হয়েছে খোঁজ খবর নিতে হবে, আমি তো জানিও না কোথাও যেটা। দেখুন এত বড় নির্লজ্জ বেহায়া কোথাও দেখতে পাবেন না। দুবার দুর্গাপুরে টোটাল জলমগ্ন হয়ে গেল বৃষ্টির জলে, সাধারণ মানুষের ঘর বাড়ি ভেঙে পড়ল, তাদের বাসস্থানের সংকট দেখা দিয়েছিল, তখন একটা তিপ্পল আমরা দেখতে পারিনি। আর এখন ডিএমসির কর্মচারীদের তাদের কারুর ঘরে সাধ্যের কাজ হচ্ছে, সেখানে সেই তিপ্পল বেরোচ্ছে। ত্রিপল ব্যবহার করছেন, যেটা মমতা ব্যানার্জির বিশ্ব বাংলা লোগোর যে ত্রিপল, সেই ত্রিপল ব্যবহার করছেন। কারণ উনি বলছেন যে এটা যিনি ডেকোরেটর তিনি দিয়েছেন, এবং ডেকোরেটর বলছেন যে এটা শুভবাবু দিয়েছেন, কি বলবেন? আর বৃষ্টির ফলে বাংলার মানুষ, সমস্ত দুর্গাপুরের মানুষরা তারা ঘর পড়ে গেছে, বঞ্চিত হয়েছেন। আমি বারবার এসডিওর কাছে চিঠি করেছি, দেখেছি গরিব মানুষকে ত্রিপল দেওয়া হোক, কর্পোরেশনকে বলেছি, মেয়রকে ত্রিপল দেওয়া হোক, গরিবরা অসময়ের মধ্যে আছেন, ত্রিপল পায়নি। আর আজকে দুর্গাপুরের কর্পোরেশনের 4 নম্বর বোরোর যিনি কর্মরত কর্মচারী, তার বাড়িতে সরকারি ত্রিপল লাগিয়ে তার সাধ্যের কাজ চলছে। কোন কারণে, কিসের কারণে? যেটা বাবা আমরা বলতাম, তৃণমূল কংগ্রেসের যারা নেতা আছেন, যারা ওয়ার্কার আছেন, তারা লুট করছেন, তাই সরকারি ত্রিপল দিয়ে পরে তার অনুষ্ঠান চলছে। আর বাংলার এবং দুর্গাপুরের গরিব মানুষরা তার ত্রিপল পাচ্ছে না, ঠান্ডার মধ্যে শুয়ে আছেন, জলের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এই ধিক্কার জানাচ্ছি, প্রতিবাদ জানাচ্ছি, এমনি তদন্ত করা হোক এবং শাস্তি ব্যবস্থা করা হোক, না করা হয় দুর্গাপুর বিজেপি আন্দোলন নামতে বাধ্য হবে। ধন্যবাদ। দুর্গাপুর সিনেমায় দাসকি রিপোর্ট, পিবিটিভি নিউজ। নিয়মিত আপডেট এবং দুনিয়াভর কি তাজা খবরো কে লিয়ে হামারে ফেসবুক পেজ কো ফলো এবং ইউটিউব চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব করে। রানীগঞ্জ শহরের NSBDOD অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন। মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। छठ पूजा की तैयारी को लेकर कोलकाता नगर निगम में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। मेयर फरहाद हकीम के नेतृत्व में छठ की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न छठ घाटों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। फायर ब्रिगेड, CESC, नेवी और कोलकाता पुलिस के अधिकारी बैठक में मौजूद थे। রবীন্দ্র সরোবরে যেতে পারবে না, কারণ NGT এর অর্ডারে যে পুলিশ ওটা বন্ধ রাখবে, তার বদলে অনেকগুলো জলাশয় আমরা তৈরি করে দিয়েছি। রেলের সাথে রেল আসেনি, পুলিশ রেলের সাথে কথা বলেছে, ওই সময় রেল বন্ধ থাকবে। একটা হচ্ছে যে রাত্রিবেলা ওই 7 তারিখ রাত্রিরে আজকে ছট পুজো নিয়ে আপনাদের বৈঠক করো, ছট পুজোতে কি কি ব্যবস্থা? প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও আমরা ছট পুজোর প্রিপারেশনটা নিলাম। এই প্রিপারেশনে আমাদের KMD এর 40টা ঘাট, আমাদের আমাদের এখানে নিজেদের একটা টেম্পোরারি প্রায় 18টা ঘাট তৈরি করা, আর ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেওয়ার পার্মানেন্ট প্রায় 22টা ঘাট, মানে 40টা ঘাট কর্পোরেশনের আর KMD এর এই 40টা ঘাট। এইটা আমরা টোটালটাই কি কি করা উচিত কি কি না করা উচিত করলাম। ইন অ্যাডিশনাল আমাদের দইঘাট এবং তক্তাঘাট, এই দুটো ঘাটে, তক্তাঘাটে নেভির সাথে আলোচনা হলো যে ওরাও থাকবে, ওদের একটা পারমিশন দেবে, যেটা আমরা ঢুকে গিয়ে করবো। আর দইঘাট যেরকম আমাদের কর্পোরেশন নেই, আমরা ওটাকে ঠিক মতন করবো। সব ঘাটের ক্ষেত্রে নিমতলা ঘাটে কিছুটা জায়গা আছে যেটা গঙ্গা ভাঙন হচ্ছে বলে বসে গেছে,
সেই জায়গাটা পুলিশ একটা ব্যারিকেডিং করে দেবে, পোর্ট ট্রাস্টের দায়িত্ব থাকবে ওই জায়গাটা প্রোহিবিটেড এরিয়া করে দেওয়া। তৃতীয়ত হচ্ছে যে আমাদের ওল্ডকে 13 নম্বর গেট এপিটি ওরা একটা দিচ্ছে আমাদের, যেখানে আমরা কাজ করবো। আরেকটা হচ্ছে বেঙ্গল ল্যাম্পে, আমাদের ওখানে একটা কুকুর ছিল যেটা বেঙ্গল ল্যাম্প আগের বার কোর্টে গেছিল, বন্ধ করে দিয়েছে। তার অল্টারনেটিভ পুলিশকে আমরা দায়িত্ব দিয়েছি যে আর যে ঘাটগুলো তার পরিবর্তে KMDA করে দিয়েছে, আগের থেকে পপুলেশনকে বলা, আগে ওরা যেত রবীন্দ্র সরোবরে, রবীন্দ্র সরোবর NGT এর অর্ডারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারপরে ওরা বিভিন্ন ঘাটে যেত বেঙ্গল ল্যাম্প যেত, এবার বেঙ্গল ল্যাম্পও বন্ধ হয়ে গেছে। তার পরিবর্তে যে ঘাটগুলো আমরা করে দিয়েছি সেখানে আগের থেকে যেন লোকের অসুবিধা না, গেল বেঙ্গল ল্যাম্পের সামনে বন্ধ দেখলো, তারপরে অন্য আগের থেকে যারা বেঙ্গল ল্যাম্পে যায় তাদের যে আপনারা এখানে না গিয়ে এইখানটা যান, সেই ব্যবস্থাটা পুলিশকে আমি বলেছি ইমিডিয়েট দেখে করে দেওয়ার জন্য। আর যেহেতু একটা হেভি বর্ষা হয়েছে সব পুকুরই উপচে রয়েছে, তাই সব জায়গায় আমাদের ডিওয়াটারিং করতে হচ্ছে, মানে ঘাটগুলো জলের তলায় রয়েছে, তাই ঘাটগুলো শ্যাওলাও ভর্তি হয়ে গেছে, সেগুলোকে ইমিডিয়েটলি আমরা ডিওয়াটারিং করে ফেলে দিয়ে শ্যাওলাগুলো ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে শ্যাওলাগুলো পরিষ্কার করে ঘাটগুলোকে ঠিকঠাক। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ। নিয়মিত আপডেট এবং দুনিয়াভর কি তাজা খবর কে লিয়ে হামারে ফেসবুক পেজ কো ফলো এবং ইউটিউব চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব করে। রানীগঞ্জ শহরের NSBDOD অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন। মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। बाढ़ के कारण यहाँ कोई सूखी जगह नहीं है, इसलिए शव को कंधे पर लेकर पानी के पार चलकर शमशान तक जाना पड़ता है। बाढ़ प्रभावित घाटाल की एक और भयावह तस्वीर सामने आई। घाटाल को इस साल कई बार बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा है और इस बार जब कोई मरता है तो और भी दर्दनाक होता है, क्योंकि बाढ़ की स्थिति के कारण सभी शमशान घाट पानी में डूबे हुए हैं। इसलिए मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए एक शमशान से दूसरे शमशान में भटकना पड़ता है। ऐसी तस्वीर घाटाल नगरपालिका क्षेत्र में देखने को मिली। घाटाल नगरपालिका के वार्ड नंबर 6 आचार्य पल्ली निवासी कीर्ति रंजन आचार्य नामक वृद्ध की बीती रात मौत हो गई। घर से लेकर शमशान घाट तक सड़क पर पानी भर गया है। मृतक के परिजनों ने बताया कुछ दिन पहले सड़क से पानी नीचे चला गया था, लेकिन चक्रवात में भारी बारिश के कारण फिर से इलाके में बाढ़ आ गई है। शवों को छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए कोई समस्या होने पर भी उन्हें पानी के पार ले जाना पड़ता है। इस दर्दनाक तस्वीर को देखकर घाटाल के लोग स्तब्ध है। बहरहाल इस नारकीय पीड़ा से घाटाल वासियों को कब मुक्ति मिलेगी, इस पर सबकी नजर है। से तो अनेकटाई समस्या, और समस्याटा एर आगे छिलो एखोनो आछे, समस्याटा समस्या काटेनी, बहुबार बला हयेछे विभिन्न दिक थेके, माने ई दुर्भोग आपनारा मेनेई निएछेन, एभाबेई चलते हबे, एभाबेई चलते हच्छे। तो मास्टर प्लानेर गल्प तो आगेओ शुनेछेन, एखोनो शुनछेन ना? मास्टर प्लानेर ब्यापारटा हच्छे जे बन्या नियंत्रण करार ब्यापारे मास्टर प्लान। এবার যদি মাস্টার প্ল্যানের ব্যাপারটা বলা হয় সেক্ষেত্রে বন্যা বন্ধ হয়ে যাবে এই রকম ব্যাপার নেই, কারণ কোথাও না কোথাও বন্যা হতেই হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ। নিয়মিত আপডেট এবং দুনিয়াভর কি তাজা খবরো কে লিয়ে হামারে ফেসবুক পেজ কো ফলো এবং ইউটিউব চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব করে। রানীগঞ্জ শহরের NSBDOD অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন। মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।
मेदिनीपुर जंगल से 30 से 32 हाथियों का एक समूह कई दिन से बिष्णुपुर और जयपुर के जंगलों में उत्पात मचा रहा था। इस दौरान जब हाथियों के मिदनापुर के जंगलों में लौटने का समय होता तो एक हाथी ने बंकाधर रेंज में चिल्लिंग बांध के पास अपने बच्चों को जन्म देती है। अन्य हाथी रात भर माँ और बच्ची की रक्षा करते हैं। वनकर्मी भी इन दोनों की रखवाली करते हैं। फिर धीरे धीरे हाथियों का झुंड माँ और नवजात बच्चे को लेकर मेदिनीपुर के जंगल की ओर चला गया। मालूम हो कि माँ हाथी ने अपने छोटे बच्चों को अपने साथ धकेलते हुए करीब 15 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। चूंकि ये शारदा माँ का इलाका है, इसलिए ग्रामीण और वनकर्मी प्यार से हाथी शावक का नाम शारदा रख दिया है। হ্যাঁ, খুশি, সমস্ত এলাকাবাসী প্রচণ্ড খুশি, মানে খুব আনন্দিত, এবং আমাদের যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্কোয়াড থেকে শুরু করে ফরেস্টে যারা স্টাফ অফিসার আছেন সবাই খুব খুশি আমরা, যে এতদিন হয়তো শুনেছি কিন্তু আজকে নিজেই দেখলাম যে আমাদের জঙ্গলে একটা শাবক এখানে হলো। হ্যাঁ, 30-32টা হাতি ছিল, এখান থেকে একটা আমরা এখানে ইনক্রিজ করতে পারলাম একটা সংখ্যা। কোথায় ওটা হচ্ছে আপনার আমরোরা বিট, চকুকুশল মৌজা আমরোরা বিট, বাঁকাধর রেঞ্জ, পঞ্চায়েত ডিভিশন। হ্যাঁ, জন্মানোর পর আমাদের ডিফেন্স স্কোয়াড যারা ছিল এবং যারা আশেপাশে গ্রাম থেকে আমরা লেবার হায়ার করেছিলাম, তো তারা খুব প্রোটেকশন দিয়েছিল, তারা কোনোভাবে কোনো পাবলিককে কাছে আসতে দেয়নি, এবং হাতির দল যেন কোনো উত্তেজিত না হয় সেদিক থেকে চারিদিক থেকে খুব লক্ষ্য করা হয়। হাতি শাবকের দেখুন সেরকম ভাবে কিছু তো নাম করা হয় না, তবে আমরা যেহেতু মা সারদার এটা মানে এরিয়া, সেজন্য ভেবেছি যে সারদা হিসেবেই আমরা যা ওখানে ছিলাম, মনে হয় সারদার নামটা খুব মানে ভালো হবে রাখলে, শখ করে আমাদের শখ করে রাখা নাম। এখন কি পরিস্থিতি হাতির মুভমেন্ট? এখন বর্তমানে হাতিটা এখন প্রায় 15-20 কিলোমিটার দূরে 35 বিট আমলা করার রেঞ্জে অবস্থান করছে, তো নিজের গতিতেই নিজের ছন্দেই যাচ্ছে, কেউ ডিস্টার্ব করছে না, যেহেতু বাচ্চা আছে এবং বাচ্চারাও সুস্থ স্বাভাবিক আছে। সবব্রত রায়, বাঁকাধর। বাঁকুড়া সে অনুপ রায় কি রিপোর্ট, পিবিটিভি নিউজ। নিয়মিত আপডেট এবং দুনিয়া ভর কি তাজা খবর কে লিয়ে হামারে ফেসবুক পেজ কো ফলো এবং ইউটিউব চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব করে। রানীগঞ্জ শহরের এনএস বিডোডি অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন। মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। जलपाईगुड़ी में 14 प्रकार के शाक खाने के नियम का पालन किया जा रहा है। बंगाली परंपरा के अनुसार आज के दिन 14 प्रकार के शाक खाने होते हैं। इसके साथ ही 14 दीपक पितर को देना होता है। इसी के चलते जलपाईगुड़ी के विभिन्न बाजारों में 14 प्रकार के शाक बिक रहे हैं। हालांकि दिए की बिक्री भी काफी बड़ी है। इधर 14 प्रकार के शाक बेचने वालों को कहना है कि शाक की कीमत मेहनत के बराबर नहीं मिल रही है, क्योंकि 14 तरह के शाक मिलना मुश्किल है। हम उन सभी सब्जियों को इकट्ठा करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं जिन्हें लोग साल भर नहीं खाते हैं। लौकी के पत्तों से लेकर हरे पत्ते तक 14 सब्जियां हैं। মানে এত শাক তো পাওয়া যায় না সবসময়? না না, আমি এখানে মানে 14 রকমের বেশি আছে শাক, আমি যদি বানাইতে পারি। আচ্ছা, এখানে 14 রকমের বেশি হবে কিন্তু একটা একটা করে ভাজতে হবে শাক। কিন্তু লঙ্কা শাকও যেমন? হ্যাঁ, লঙ্কা পাতা খাওয়া যায়। আমার ঠাকুমাকে দেখতাম লঙ্কা পাতা দিয়ে মানে শাকে ঝোল বানাইতো। আমাদের 13 দিনে দিন 13 শাক খাইতো আমাদের, বুঝছেন? এইখানে আপনি 14টার এখানে বেশি আছে, একটা একটা করে গন্তি করতে হবে। এখানে একদম ঘিমা শাকের থেকে শুরু করে সব শাক আছে আমার কাছে। কষ্ট হয়েছে না খুঁজতে এত শাক? হ্যাঁ, খোঁজ, কালকে সারাদিন আমি শাক খুঁজছি। কবে 14 শাক খাবে? কালকে খাবে, আজকে সবাই নিচ্ছে শাক। মানে এখানে 14টার বেশি হবে, গন্তি করতে হবে এখানে ব্যাগের থেকে। আমার এমন এমন নাম বলেন তো যেগুলো পাওয়া যায় না সারা বছর। মানে সারা বছর কি, এখানে সব ধরনের শাক আছে, এত তো নামও বলতে পারবো না, অনেক ধরনের শাক আছে। হেলাইঞ্চা থেকে শুরু করে তোমার ধুন্দুল পাতা থেকে শুরু করে হেলাইঞ্চা, অনেক রকমের কানাই ডুগা, হেচি শাক, তারপর মেথি শাক, তোমার ঢেকি শাক। আচ্ছা, তারপর বাটা খায়, এই যে তোমার ইসে বাটা খাওয়ার পাতা। ঠিক আছে, হয়ে যাবে। নিলেন? এই যে দেখেন, এই যে শাকটা 14 শাক নিলেন? হ্যাঁ, তো অনেক শাক তো সারা বছর তো পাওয়া যায় না, এখন খেতে হয়।
ভালো লাগছে? হ্যাঁ ভালো লাগছে, 14 শাক খেতে হয় বছরে একদিন। হ্যাঁ তাই না? এই শাকটা কয় দিনে খুঁজে পাবো? এটাকে অনেক অনেক শাক রয়েছে, যেমন লঙ্কা পাতা, হেলেঞ্চা শাক, এগুলো তো পাওয়া যায় না সব সময়। হ্যাঁ ওগুলা ওই যে ওই যে ওগুলা সব আছে। আজকে আজকে খাবেন? হ্যাঁ না আজকে না, কালকে। আরেকটা শাক বলে ওই যে আছে। ব্যুরো রিপোর্ট, পিবিটিভি নিউজ। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताजा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএস বিডোডি অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গল এন্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন। মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। अलीपुर चिड़ियाघर को कोलकाता नगर निगम द्वारा ग्रेड वन विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सोमवार को विरासत भवन की मान्यता में चिड़ियाघर के गेट पर एक स्मारक नीली तख्ती रखी गई। परंपरा के स्मारक के रूप में पहली नीली पट्टी का 2022 में जान बाजार में रानी रासमणी के घर पर स्थापित की गई थी। नगर निगम की ये पहल शहर के विरासत इमारतों के इतिहास और महत्व को आम जनता के सामने उजागर करना है। कोलकाता नगर निगम की ओर से बताया गया है कि हम ये काम काफ़ी समय से कर रहे हैं। मूल रूप से उत्तर कोलकाता की कई विरासत इमारतों को लेकर विचार किया गया। पूजा के बाद दक्षिण कोलकाता की पारंपरिक इमारतों पर नीली पट्टी काय देने का काम शुरू किया गया। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन के निदेशक शुभंकर सेनगुप्ता ने कहा कि अलीपुर चिड़ियाघर को एक विरासत स्थल के रूप में मान्यता देने के लिए नगर निगम अधिकारियों को धन्यवाद। नगर पालिका के इस पहल से हम बेहद खुश हैं। এটা একটা খুব অত্যন্ত আনন্দের খবর। কলকাতা পৌরসভার যে হেরিটেজ কমিটি আছে, তারা বেশ কিছুদিন আগেই আলিপুর চিড়িয়াখানাকে গ্রেড ওয়ান হেরিটেজ প্রপার্টি বলে ডিক্লেয়ার করেছিল। এখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে যে অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি যে সেটা হয়তো কোনো একটা পার্টিকুলার বিল্ডিং বা কোনো একটা পার্টিকুলার স্ট্রাকচারকে হেরিটেজ স্ট্রাকচার বলা হয়েছে, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে আলিপুর চিড়িয়াখানার এন্টায়ার প্রেমিসেস, পুরো গার্ডেন এবং তার মধ্যে যা যা স্ট্রাকচার আছে সবাইকে একসাথে করে পুরো এরিয়াটাকেই হেরিটেজ, গ্রেড ওয়ান হেরিটেজ এরিয়া বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং তার স্বীকৃতি হিসাবে আমাদের মূল যে প্রবেশদ্বার তার সামনে একটা ফলক লাগানো হয়েছে, ব্লু প্লাক যাকে বলে, যেটা একটা গর্বের বিষয়, সেই জিনিসটা আমরা খুব আনন্দিত। ব্যুরো রিপোর্ট, পিবিটিভি নিউজ। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताजा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএস বিডোডি অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গল এন্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন। মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। अभी हाल में ही दुर्गा पूजा का समापन हुआ। अब काली पूजा और साफ सफाई का त्यौहार दीपावली है। कल दीपावली और काली पूजा है, लेकिन जिस तरह से रानीगंज के विभिन्न इलाकों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रानीगंज बस स्टैंड में गंदगी का अंबार लगा हुआ, यहाँ तक कि मंदिर के पास भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मंदिर के सामने की निकासी व्यवस्था पूरी तरह से जाम हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुर्गा पूजा के बाद से ही ऐसी हालत बनी हुई है, लेकिन आसनसोल नगर निगम की तरफ से सफाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यहां पर नगर निगम की तरफ से कचरा फेंकने आए एक कर्मचारी
প্রত্যেক দিন এরকম নোংরা থাকে ওই তো মন্দিরটা ইয়ে হয়ে গেছে মন্দিরটা ড্রেনটা সাফ হয়নি জলটা একদম পুরো যাচ্ছে দেখো তো দীপাবলি চলে এলো তো আজকে তো নাকি আজকে ধনতেরাস নাকি ধনতেরাস পার হয়ে গেল কালকে তো কতদিন ধরে এরকম নোংরা পড়ে আছে প্রায় থাকে তবু অনেক দিন থেকে রয়েছে উঠাচ্ছে একদিন উঠাচ্ছে আর বাদ বাকি পড়েই রয়েছে এখানে কতদিন এই রকম পড়ে আছে কতদিন ধরে এরকম হয়ে আছে তিন দিন হয়ে গেল এখানে তোমরা এনে তো মালটা ফেলে দিও নাকি তারপর কেউ তোলে না দেখো তো পুজো চলছে নাকি তো পুজোর সময় কেউ দেখে না এগুলো বলনি তোমরা যে এখানে গাড়িতে নিয়ে যায় না হ্যাঁ বলো না তোমরা এখানে নিয়ে যায় না তো বলার পর কেউ নিয়ে যায় না এটা কোথায় এই জায়গাটা কী জায়গাটা এই জায়গাটা এই জায়গাটা কী নাম আছে তো এগুলো তোমরা জানাও নি একবার কোথাও জমাদার আছে আমাদের তারা একবার কি বলেনি কি নাম তোমার আমার নাম নবে দো তিন দিন সে পড়া হুয়া হ্যাঁ এসে হর রোজ এসে রহতা হ্যা ক্যা এক দিন উঠাতা হ্যা ইসকে বাদ দো দিন তিন দিন গায়েব ওই দেখিয়ে না ওয়াহাঁ সে মন্দির কে পাস যা রহা হ্যা আপকা পুরা বাত নালি ট্রেন কা লাইন পুরা একদম মন্দির কে পাস যাকে দেখিয়ে ইয়া তো নালা ভি বন্ধ হো জাতা হ্যা না নালা বন্ধ হোকর একদম মন্দির কে পাস যা রহা দেখিয়ে আপকা মন্দির কে পাস যাইয়ে দেখিয়ে তো কবি আপ লোগ বলে নাই কি ইস তরহ সে ইয়ে কি কিসকো বলেগে কি ऐसे रह जाता है अभी तो पूजा चल रहा है ना हाँ पूजा तो चल रहा तो गाड़ी गुड़ी कभी नहीं आता है आता है एक दो दिन बाद बाद आता है इसके बाद ऐसे पड़ा है पूरा सफाई नहीं होता है सफाई करता है एक दिन सफाई करने के बाद दो दिन नहीं उठाएगा तो गंदा तो होगा क्या नाम है आपका मेरा सूरज